डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हियर वी पुट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू, सो वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यू. वाई इज द कंपोजिट फंक्शन, सो वी यूज चेन रूल फॉर डेरिवेटिव. That is dy by dx is equal to dy by du du by dx. Now differentiating equation 1 with respect to x, then we get du by dx is equal to d of 1 minus x upon 1 plus x dx. So हम यहाँ first upon second वाला formula लगा देंगे, यानी कि denominator का square, फिर denominator को छोड़ा numerator का differentiation. तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, देन फिर न्यूमरेटर को आपने छोड़ दिया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, राइट. इसको सिंप्लीफाई करा तो फाइनल क्या मिला, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया. ये तो आपका निकला है डी यू बाई डी एक्स. अब हम निकालेंगे जो कि इक्वेशन 1 थी उससे हमने निकाल लिया. अब हम निकालेंगे इक्वेशन 2 जो दे रखी है हमको ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू यू, देन वी गेट सो डी वाई बाय डी यू हम निकालेंगे, ठीक है ना. डी ए क्या है, हमने निकाला है डी वाई बाय डी यू हमने निकाला है, वो क्या आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने पुट कर दी u की वैल्यू, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये u की वैल्यू थी तो ये हमने u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. तो dy वाई बाई डी यू हमारे पास ये आ गया, एलसीएम वगैरह हमने ले लिया इसका, तो माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिला माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी जो कि हमारी थी डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमको तो यही निकालना था. इक्वेशन नंबर हमारी क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई डी एक्स ये थी. इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे डी वाई बाई डी यू की और डी यू बाई डी एक्स की, ठीक है. तो हमने ये वैल्यूज पुट करी और इसको सिंप्लीफाई करा, जैसे 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है. और इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनल आंसर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई. ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन फाई, इट बिकम्स, हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह हम साइन थीटा डाल देंगे और वाई की जगह हम साइन फाई पुट कर देंगे. देन कोस थीटा प्लस कोस फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई हमको मिल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, कोस थीटा बन जाता है, ठीक है. इसलिए हमने इस वैल्यू की जगह क्या रख दिया, कोस थीटा लिख दिया. सिमिलरली दूसरा जो था हमारा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बनेगा ये, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस फाई लिख सकता हूँ ना. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लग दिया,
कोस थीटा कोस फाई लिख दिया, और यहाँ पर तो ए साइन थीटा साइन फाई आ ही गया क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई था। ठीक है, अब क्या करना है हमको, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला हमने लगा दिया, वो क्या होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ कोस थीटा प्लस कोस फाई है तो टू कोस थीटा प्लस फाई बाई टू कोस थीटा माइनस फाई बाई टू यहाँ आ गया, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ साइन थीटा माइनस साइन फाई की जगह क्या आ गया, टू कोस थीटा प्लस फाई बाई टू साइन थीटा माइनस फाई बाई टू ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाली टर्म तो कट गई, टू भी कट गया। ठीक है, तो और इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो कोस थीटा माइनस फाई अपॉन टू अपॉन साइन थीटा माइनस फाई अपॉन टू ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा माइनस फाई बाई टू बन जाएगा और ए के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस कोट को इधर ले गए हम तो कोट इनवर्स ए बन गया ये, है ना, और टू को भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो थीटा माइनस फाई जो है आपका वो क्या हो गया, टू कोट इनवर्स ए बन गया। ठीक है, अब टू कोट इनवर्स ए ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरा बनेगा, थीटा और फाई की जगह मैं साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई रख दूंगा क्योंकि मैंने क्या माना था, एक्स इजिकल टू साइन थीटा माना था। ठीक है ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली वाई को मैंने साइन फाई माना था तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, फाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स वाई आ जाएगी आपकी साइन फाई की वैल्यू। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए मिल जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो फॉर्मूले का ये है ही सही यहाँ का माइनस, और ये साइन वाई का हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिल गया, वो हमको मिल गया वो हमको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योअर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन वन माइनस अंडर रूट ए एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन वन माइनस रूट ए एक्स। ओके, सो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो ये रूट ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट ए ये लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख लिया ताकि बस अब हमको इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये वाला तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो ही जाएगा, सिर्फ इसका ही डिफरेंशिएशन करना है हमको। ठीक है, तो यह फॉर्मूला हमको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने याद किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट एक्स का मैं वापस से डिफरेंशिएशन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो गया, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स हो गया और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स हो गया, और कॉन्स्टेंट ये है, ये वाली टर्म तो कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन तो हमने जीरो लिख ही दिया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट इसमें दे रखा है ई टू द पावर एक्स क्यूब, तो ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स
दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, राइट। सो हियर यहाँ पर ई टू द पावर एक्स क्यूब है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स क्यूब हो गया। अब चेन रूल से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो होता है 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो गया 3x स्क्वायर ए टू द पावर एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इसमें भी हम चेन रूल से करेंगे। तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/cos ई की पावर एक्स हो गया। फिर कॉस ई की पावर एक्स का हम वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन, तो कॉस ई की पावर एक्स का हो गया माइनस साइन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का वापस से हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होता है ई की पावर एक्स, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन हो जाता है, तो माइनस तो आगे आ ही गया, टेन ई की पावर एक्स आ ही गया, और ये ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, तो ई टू द पावर एक्स आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है, माइनस ई टू द पावर एक्स टेन ई टू द पावर एक्स, दैट इज फाइनल आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर रूट कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ई टू द पावर अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसको हम वाई कंसिडर कर लेंगे, तो वाई जो हो गया आपका वो क्या हो गया, ई टू द पावर अंडर रूट कॉट एक्स हो गया, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड देन वी गेट, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, तो इधर तो हो गया लॉग वाई, इधर हो गया अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स लॉग ई टू द बेस ई। अब बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो इसकी वैल्यू तो वन होती है, तो यहाँ पर हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स। अब इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, देन वी गेट 1/y/dx। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y/dx, और रूट एक्स का होता है 1/2√x, तो यहाँ पर रूट कॉट एक्स है तो इसका हो गया 1/2√cotx, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन वापस आप करोगे तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो 1/y/dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2√cotx हो गया ये। अब इस वाई को इधर भेज दिया हमने, तो माइनस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2√cotx हो गया, और वाई की वापस से वही वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे जो इक्वेशन वन में हमने मानी थी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे वाई की वैल्यू। सो फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर रूट कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2√cotx इसका आंसर होगा। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग 10x/2 का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग 10x/2, ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये फंक्शन y के इक्वल है, और अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, देन dy/dx इज इक्वल टू 1/10x/2, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log 10x/2 का क्या हो जाएगा 1/10x/2, और 10x/2 का दोबारा से हम डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। 1/10x/2 यहाँ पर हो गया, 10x/2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 हो गया, फिर x/2 का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 1/2। 10x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos x/2, 1/10x/2 को हम लिख सकते हैं cos x/2 अपॉन sin x/2, sec स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये फॉर्मूला बन गया 1/2 sin x/2 cos x/2, तो ये मिलकर के आपका बन जाता है 1/sin x, और sin 1/sin x होता है cosec x। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, cosec x हो गया। वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल अरिहंत करियर क्लासेस कोटा को सब्सक्राइब करें।